आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश के नौवां फंक्शनल एयरपोर्ट और 254 करोड़ की लागत से निर्मित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कुशीनगर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया लोकार्पण। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सहित जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ। कहा, योगी के नेतृत्व में ऊंची उड़ान भर रहा है उत्तर प्रदेश। सीएम ने कहा, अब हवाई चप्पल वाले भी करेंगे हवाई जहाज की यात्रा। हत्या के प्रयास के आरोपी अभियुक्त को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त चाकू किया बरामद, भेजा जेल। बुधवार को जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहजनवा, चौरी चौरा, सरदार नगर और खुराबार का किया निरीक्षण। अनुपस्थित कर्मचारी से मांगा स्पष्टीकरण, कमियों को दूर करने के दिए निर्देश। मोबाइल लूट के आरोप में कोतवाली पुलिस ने दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। एक मोबाइल फोन किया बरामद, भेजा जेल। इलेक्शन सेल एंड इट्स स्कोप विषयक 3 दिवसीय कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। कुलपति ने कहा, इलेक्शन सेल पर स्टार्टअप के तहत कंपनी बनाएगी यूनिवर्सिटी। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाए जाने के उद्देश्य से मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बुधवार को सीएससी पिपरौली बांसगांव और पीएससी कौड़ीराम का किया निरीक्षण। कमियों को दूर करने के दिए निर्देश। बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 86 केंद्रों पर 19,176 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। प्रथम डोज लेने वालों में 8,178 और दूसरी डोज लेने वालों में 11,098 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। शाहजहांपुर कोर्ट में हुई अधिवक्ता की हत्या के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और परिजनों को उचित मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर जिला अधिवक्ता एसोसिएशन ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। गोरखपुर से बनारस रोड के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा किए जाने की मांग को लेकर सपा लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। अधूरे सड़क के कार्य को शीघ्र पूरा करने की मांग। और केंद्रीय जल आयोग एवं अधिशासी अभियंता बाढ़खंड 2 द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर घाघरा नदी में कुल 4,42,608 क्यूसेक पानी गिरजा, शारदा एवं सरयू बैराज से छोड़ने के बाद बढ़ सकता है नदियों का जलस्तर। एडीएम फाइनेंस ने कहा, नहीं होगी कोई दिक्कत लेकिन रहें सतर्क।